शाहबाद के गांव रावा की गोगा माड़ी से दिन दहाड़े चोरों ने गुल्लक का ताला तोड़कर नकदी की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। शाहबाद के गांव रावा में गोगा माड़ी से दिन दहाड़े चोरों ने गुल्लक का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगामी कार्यवाही शुरू की। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दो चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि वह एक साल बाद ही गोगा माड़ी के गुल्लक का ताला खोलते हैं और अब कुछ दिन बाद ही गोगा माड़ी का भंडारा देना था, जिसकी सारी नकदी गुल्लक में थी जो चोर चोरी कर ले गए हैं। गांव रावा की बात है जी। अभी गांव रावा से फोन आया था मेरे पास भाइयों का कि गांव रावा माड़ी का गल्ला पाट दिया गया है। जैसे ही मैंने पूछा कैसे क्या हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ है और मौके पे प्रशासन भी बुलाया गया है तो गल्ला पाट दिया गया है। भंडारा नजदीक है, एक साल बाद गल्ला खोलते हैं माड़ी का, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है। कितने बजे की बात है जी? ये 12:27 की बात है। कैमरे में चोर आ गए हैं, रिकॉर्डिंग किसी ने देखा जी उस टाइम। बस मौका था, चोर मौका ही देखते हैं, मौका देख के ही आए थे। सीसीटीवी फुटेज में दो बंदे चोरी करते आए हैं, रोड के साथ गल्ला पाड़ा उन्होंने, फुटेज मेरे पास है। वो पुलिस प्रशासन के आश्वासन दे रहा है, कितना पुलिस प्रशासन साथ के साथ मौके पे आया है। कितनी नकदी थी? 50-60 हज़ार रुपये दोनों अंदाजा जी अंदाजा होता है, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये साल बाद निकलता है गले से। अच्छा, गल्ला खोला जाता है भंडारे के टाइम पे ही। अच्छा, भंडारे के हाँ दो साल हो गए माड़ी पे कैमरे लगे, तो उससे बाद कोई चोरी कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये पहला नुकसान है हमारा माड़ी पे। तो क्या लग रहा है, नशेड़ियों का ही काम है जी, और किसका काम है? नशेड़ियों का ही काम है सर। शाहबाद के गाँव रावा की गोगा माड़ी से दिन दहाड़े चोरों ने गुल्लक का ताला तोड़कर नकदी की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। शाहबाद के गांव रावा में गोगा माड़ी से दिन दहाड़े चोरों ने गुल्लक का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगामी कार्यवाही शुरू की। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दो चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि वह एक साल बाद ही गोगा माड़ी के गुल्लक का ताला खोलते हैं और अब कुछ दिन बाद ही गोगा माड़ी का भंडारा देना था, जिसकी सारी नकदी गुल्लक में थी जो चोर चोरी कर ले गए हैं। गांव रावा की बात है जी। अभी गांव रावा से फोन आया था मेरे पास भाइयों का कि गांव रावा माड़ी का गल्ला पाट दिया गया है। जैसे ही मैंने पूछा कैसे क्या हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ है और मौके पे प्रशासन भी बुलाया गया है तो गल्ला पाट दिया गया है। भंडारा नजदीक है, एक साल बाद गल्ला खोलते हैं माड़ी का, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है। कितने बजे की बात है जी? ये 12:27 की बात है। कैमरे में चोर आ गए हैं, रिकॉर्डिंग किसी ने देखा जी उस टाइम। बस मौका था, चोर मौका ही देखते हैं, मौका देख के ही आए थे। सीसीटीवी फुटेज में दो बंदे चोरी करते आए हैं, रोड के साथ गल्ला पाड़ा उन्होंने, फुटेज मेरे पास है। वो पुलिस प्रशासन के आश्वासन दे रहा है, कितना पुलिस प्रशासन साथ के साथ मौके पे आया है। कितनी नकदी थी? 50-60 हज़ार रुपये दोनों अंदाजा जी अंदाजा होता है, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये साल बाद निकलता है गले से। अच्छा, गल्ला खोला जाता है भंडारे के टाइम पे ही। भंडारे के हाँ दो साल हो गए माड़ी पे कैमरे लगे, तो उससे बाद कोई चोरी कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये पहला नुकसान है हमारा माड़ी पे। तो क्या लग रहा है, कोई नशेड़ियों का ही काम है जी, और किसका काम है? नशेड़ियों का ही काम है सर।